नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बारिश के चलते दीवार गिरने की खबर सामने आई थी, जिसमें दबने से 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। ऐसा ही एक मामला प्रदेश के देवरिया से सामने आया, जहां वर्षों पुराना 2 मंजिला मकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकान का गिरना तेज बारिश बताया जा रहा है। हादसा जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंसारी रोड के पास हुआ। यहां स्थित वर्षों पुराना एक 2 मंजिला मकान सोमवार भोर करीब 3 बजे गिर गया। हादसे के वक्त परिवार सो रहा था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फौरन SDM समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पति पत्नी और एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। वहीं SDM सदर सौरभ सिंह ने बताया कि देर रात 3 बजे के आसपास अंसारी रोड पर एक सैकड़ों साल पुराना मकान गिर गया। इसमें 3 लोग मृत पाए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और दमकल विभाग के लोगों ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।